नॉर्मली मैं आपको कहूँगी कि आपके लेदर बॉल वाले बैट के साथ टेनिस बॉल क्रिकेट मत खेलना, मगर आज मैं एक ऐसे बैट का रिव्यू करने वाली हूँ जो आप मंडे टू फ्राइडे क्रिकेट एकेडमी में लेदर बॉल के साथ यूज़ कर सकते हो और सैटरडे संडे अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल के लिए। मैं हूं स्नेहल प्रधान, फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्नेहल और इंटरनेशनल क्वालिटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर बजाना। आज हम अनबॉक्स कर रहे हैं एलिवार कश्मीर को। ये एक कश्मीर विलो बैट है जो आप टेनिस बॉल और लेदर बॉल दोनों के लिए यूज कर सकते हो। मीडियम साइज की है, आप देख सकते हो कि लुक इसका काफी अच्छा है। पीछे का फुल साइज स्टिकर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। ग्रेन्स अगर गिने तो इसके 5 से 6 ग्रेन्स है जो एक कश्मीर विलो बैट के लिए एक अच्छा नंबर है। इंग्लिश विलो में आपको 7 to 8 ग्रेन्स आइडियली देखने चाहिए। वज़न इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, 1260 ग्राम्स की बैट है ये। उनके पास ऑफकोर्स लाइटर और हैवियर वेरिएशंस भी होते हैं और मेरे लिए थोड़ी सी ज़्यादा भारी है। फील इसका हाथ में काफ़ी अच्छा है। साउंड इसका जरा देखते हैं कि स्ट्रोक कैसे लगता है। और मैलेट के साथ चेक करने से ये पता चलता है कि बीच में अच्छा स्ट्रोक है, अच्छा बाउंस है। ऊपर और नीचे थोड़ा सा अलग साउंड है, खोखला साउंड है। सो ज्यादातर बैट्स में हम यही देखते हैं, पर इस बैट की सबसे इंटरेस्टिंग फीचर मेरे लिए है इसका हैंडल। बैट का हाथ में फील बहुत अलग है क्योंकि इसका हैंडल बहुत अलग है। ये ऊपर से पतला और नीचे से मोटा है। ऊपर से ऑलमोस्ट ओवल शेप्ड है, नीचे से पूरी तरह राउंड है जो एक बॉटम हैंडेड ग्रिप देती है। ये आइडियल है टेनिस बॉल क्रिकेट के लिए क्योंकि टेनिस बॉल क्रिकेट में हम बहुत हॉरिजॉन्टल बैट शॉट्स लगाते हैं, आपको अक्रॉस द लाइन काफ़ी खेलना पड़ता है। और डेथ ओवर्स के लिए अगर आप लेदर बॉल से खेल रहे हो, डेथ ओवर्स तक आप खेल रहे हो, ड्रिंक्स ब्रेक में ना बैट मंगा के अगर आप उस बैट के साथ चेंज कर सकते हो तो बढ़िया होगा क्योंकि डेथ ओवर्स में बॉटम हैंडेड काम काफ़ी ज़्यादा आता है। पर ये ग्रिप ऐसी क्यों है ज़रा खोल के देखते हैं। तो अगर हम ग्रिप नीचे करते हैं तो यहाँ पे दिखता है कि जो ऊपर का हैंडल है ना वो ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर है, राउंड तो हैंडल नहीं है। और नीचे का हाफ जो है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैडिंग लगा के बॉटम हैंड ग्रिप बढ़ाई है। जो बैट के मेकर्स हैं उनको सैमुराई से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेना था और जो नीचे का एक्चुअली टॉप हैंड है वहाँ पे वो फील आती है, ऐसे लगता है कि पतला सा कोई ऐसा हथियार पकड़ा है। मगर बॉटम हैंड का जो ग्रिप है ना वो बिल्कुल स्वॉर्ड वाली फीलिंग नहीं आ रही है, गधे वाले या हैमर वाली फीलिंग आ रही है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग बैट है, सोच समझकर इसे बनाया गया है, इंटरेस्टिंग कंपनी है। और अगर आपको और एलिवार के बैट्स के वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप देना, लाइक बटन दबाओ। बाकी बैट्स के अगर वीडियोस देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से कंपनीज के बैट्स मैं अनबॉक्स करूँ आपके लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। बी पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड एन्जॉय योर क्रिकेट।